हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक की माँ बहन। आज हम एम आई पावर बैंक को आज हम अनबॉक्स करेंगे, जो कि 20,000 mAh का पावर बैंक है, जिसकी मार्केट में प्राइस है 1699 रुपये, जिसे हम राउंड फिगर 1700 रुपये कह सकते हैं। और अब हम इसे अनबॉक्स करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, MI.com से परचेज़ किया गया है और इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है। दिस इज़ MI पर MI.com बिल्स, सॉरी बिल, एंड ये MI का पावर बैंक जैसे कि हम देख सकते हैं। और ये इसकी सील है जिसे हम खोलेंगे। ये MI पावर बैंक जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा है। ये 20,000 mAh के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा छोटा है और हैंडी इसका लुक है और लुक काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, दो USB पोर्ट हैं इसमें चार्जिंग करने के लिए, एंड इस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए एक सिंगल USB है, जो कि नॉर्मल है, ऐसा ही होता है। 20,000 mAh का पावर बैंक है और जिसमें आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें iPhone 5s वगैरह जो आप फ़ोन है उसे 8 से 9 बार आप चार्ज कर सकते हैं, ऐसा MI.com पे सुनने को मिला हमें। और एक काफ़ी अच्छी इसकी मॉडल काफ़ी अच्छा है इस MI पावर बैंक का, और मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप ये पावर बैंक ज़रूर लें। अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हैं तो काफ़ी यूज़ में आता है ये। और ये काफ़ी लाइट वेट है, अगर हम कंपेयर करें 10,400 mAh के दो पावर बैंक से, तो उसके ये काफ़ी लाइट वेट है। और इसकी बॉडी काफ़ी अच्छी है, जो यहाँ से देखी गई है, जो ये फिसलेगा नहीं, पैटर्न लगे हुआ है ताकि फिसले नहीं। और ये पावर बटन दिया गया इधर, और ये देखिए, ये यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर जैसा इसकी इसमें दिखाया गया है कि इसमें 50% बैटरी, अराउंड 50% बैटरी है। और ये 3 घंटे, जैसे कि MI.com पे यहाँ पे देखा गया है, 3 घंटे में चार्ज हो जाता है। और बाकी मैं आपको टेस्ट करके देखूंगा, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको बताऊंगा। ओके, सो अब हम इस रिव्यू को बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक की माँ बहन, स्टे अपडेटेड विद अस। थैंक यू।